भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकी शिविर पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद पाकिस्तान ने लाहौर से अटारी रेलवे स्टेशन तक आने वाली समझौता एक्सप्रेस को रोक दिया है। इस ट्रेन से नई दिल्ली से अटारी बॉर्डर तक पहुंचने वाले यात्रियों को लाहौर ले जाया जाता था। थर्सडे को सुबह दिल्ली से चलने वाली अटारी एक्सप्रेस ट्रेन अटारी रेलवे स्टेशन पर तो पहुंची, बट लेकिन पाकिस्तान से समझौता एक्सप्रेस ट्रेन नहीं पहुंची। इसके बाद पाकिस्तानी यात्रियों को बस से भेजा गया। इस बीच भारत ने भी समझौता एक्सप्रेस रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। समझौता एक्सप्रेस बंद होने का कारण दोनों देशों के बीच तनाव है। अगर हम अधिकारियों की माने तो 22 फरवरी से पाकिस्तान और भारत के मध्य किसी भी मालगाड़ी का आवागमन नहीं हुआ है। अटारी रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान को जाने वाले सामानों से भरे 42 वैगन खड़े हैं, किंतु पाकिस्तानी रेलवे अधिकारियों की ओर से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जिनसे मालगाड़ियों को रैक वहीं ही खड़ा है। रेलवे ने कड़ी सुरक्षा के बीच सभी पाकिस्तानी यात्रियों को 2 बस से अटारी बॉर्डर पहुंचाया, वहां से उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। बता दें कि पाकिस्तान से आने वाली समझौता एक्सप्रेस को रद्द करने के बाद बुधवार को ही घोषणा कर दी गई थी। गुरुवार को दिल्ली से अटारी एक्सप्रेस यात्रियों को लेकर सुबह 6:30 बजे अटारी रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इस ट्रेन में यात्री सवार थे। वहां यात्री लाहौर से जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान से उसे भेजा नहीं गया। इसके बाद अटारी रेलवे स्टेशन से पाकिस्तानी यात्रियों को ज्वाइंट चेक पोस्ट के जरिए सड़क मार्ग से पाकिस्तान भेजने का फैसला किया गया। लगता तो नहीं अब ये ट्रेन कब शुरू होगी, किसका तो किसी को भी नहीं पता। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा आप क्या सोचते हैं, ये ट्रेन शुरू होनी चाहिए कि नहीं। वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।